हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो अब जो प्लान है वो है मछलियों को मारने का और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी है। और अब हम जा रहे हैं नदी की तरफ, तो आप लोगों को भी लेके चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि यहाँ पे नदी कैसी है। चलें, चलो। तो ये रास्ता जो है ये नदी की तरफ जाने वाला रास्ता है और वो आगे आपको हल्का नज़र आ रहा होगा, वो सॉरी नदी है। और मेरा ब्रदर, जो कज़न ब्रदर, वो पहले ही आगे जा चुका है, तो मैं थोड़ा काम में भी दिखाऊंगा। तो नहीं चलते हैं। और ये एक यहाँ पे पुराना आम का पेड़, जानवर भी चल रहे हैं यहाँ पे। ये सामने सारा जंगल है और ये देखो वो नदी जा रही है, तो चलते हैं। तो नदी के नज़दीक तो पहुँचने वाले हैं, पर यहाँ का व्यू चेक कीजिए आप। ये सारा जंगल है और आपको हल्की हल्की नदी की आवाज़ भी आ रही होगी। मौसम भी थोड़ा सही है, धूप भी निकल रही है, पर यहाँ पे बारिश का कभी पता नहीं चलता। कि वो जो आप ऊपर देख रहे हैं वहाँ पे घर है मेरे नाना का। चलते हैं, अपने कज़न ब्रदर को ढूंढ रहा हूँ, वो पता नहीं कहाँ गया, पहले आके चले गया था वो। तो हम भी चल रहे हैं, रास्ता भी थोड़ा सही है पर चलेगा। ये एक डॉगी ये मेरे पीछे पीछे जा रहा है। ही इज फॉलोइंग मी। हमें कुत्ते ही फॉलो करते हैं, क्या चक्कर है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए नदी, और वो देखिए सामने वो रहा मेरा कजिन ब्रदर। तो चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं बिल्कुल नदी के किनारे और पंकज डोगरा पूरे बैठे हुए हैं। अब हम मछलियाँ किससे पकड़ते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पता नहीं बारिश का साउंड इतना आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, बारिश का नहीं सॉरी नदी का, नदी का साउंड इतना है। तो हम मछलियाँ पकड़ेंगे इससे, इसको बोलते हैं हम छुंगड़ू, जो कि केंचुए जो होते हैं उनसे बनाया जाता है। वैसे इंग्लिश में शायद अर्थ फॉर्म भी बोलते हैं इनको। तो इनको धागों में पिरोया गया है, जिससे जो है मछली या फिर एक गोद बोलते हैं वो मैक्सिमम इससे पकड़े जाते हैं, वो उसके दांत इसमें फंस जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं।
ये देखिए, इसको बोलते हैं गोधम। तो मैंने अभी एक पकड़ लिया है, तो आगे चालू रखते हैं। ये हमने दूसरा पकड़ लिया है, चल रहे हैं।
तो दोस्तों मछलियाँ और गोद तो हमने बहुत पकड़ लिए और मैं गया हूँ थक, बट मेरा जो कज़न ब्रदर है वो अभी भी लगा हुआ है, तो आपको मैं दिखाता हूँ और बाद में फिर ये भी ज़रूर दिखाऊंगा कि हमने कितनी मछलियाँ और गोद पकड़े। तो आइए चलें, चलते हैं। ये नदी जा रही है और वो लगे हुए हैं पंकज डोगरा साहब, हवा भी चल रही है, धूप भी है। पूरा फोकस है इनका। मैं तो चटाई था वाओ, मैं गया थकी। चलो तो हमारा प्रोग्राम हो गया ख़त्म, अब हम आपको दिखाते हैं हमने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं। पंकज जी भी थक गए हैं। अरे देखो हमने इतनी पकड़ ली हैं, सब्जी के लिए तो हो ही गई है। चलो पंकज जी चलो, अब चले हम घर और धूप बहुत तेज है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी ही लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोग कमेंट करते तो मेरे को हौसला मिलता है ताकि मैं ऐसी और वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आप लोग अगर मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते तो मेरे को खुशी होती है, मेरे को और अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियो लाता रहूं। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा ले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।